garbage. Hey guys, namaste, sat sri akal. मेरा नाम है निवेदिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू थ्रो दी ट्रैश। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। इट्स अ रूल इन जर्मनी कि आपको सारे कचड़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखना है और उसको अकॉर्डिंगली उस बिन में डालना है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जर्मन बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स को फॉलो करने में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ का, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करना ही है। अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत ही बड़ी पेनाल्टी लग सकती है। सो इससे बचने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए। नाउ वी विल स्टार्ट। सो जर्मनी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिन होते हैं, मल्टीपल बिन से। तो जो सबसे पहले बिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है बायोम्यूल, विच इज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस बिन का कलर या तो ग्रीन रहेगा या फिर ब्राउन रहेगा, इट डिपेंड ऑन प्लेस टू प्लेस। म्यूनिक जहां मैं रहती हूँ वहां पे ये बिन ब्राउन कलर का होता है। इसमें आप कोई भी कुक फूड हो गया, अनकुक फूड हो गया, जितने भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं, फिश, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, सिट्रस फूड, ये जितने भी ईटरीज आइटम होते हैं, ये सारी चीजें आपको डालनी है बायोम्यूल बिन में। इसके बाद से ये सारे फूड्स को फिर फर्दर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इस बिन में आपका बायोडिग्रेडेबल के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिन इज ब्लू बिन, जिसमें हम पेपर्स एंड कार्डबोर्ड रखते हैं। बट यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि पिज्जा बॉक्सेस हो गए या फिर फ्राइज के जो पेपर प्लेट्स हो गए, दे डज नॉट बिलोंग टू दिस बिन, क्योंकि उसमें जो फूड आइटम लेफ्ट ओवर्स होते हैं या फिर जो ऑयल उसमें चिपका हुआ आता है, उसकी वजह से रिसाइकलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। दैट इज द रीजन हमें ये सब चीजें जो होती हैं वो इस बिन में नहीं डाली है। इसमें सिंपली पेपर, न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर कार्डबोर्ड्स हो गए, वो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो ग्लॉसी पेपर होते हैं पोस्टर, उसे भी रिसाइकलिंग प्रोसेस में पेपर के साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम इसमें नहीं डाल सकते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ बिन इज ग्रे और ब्लैक बिन, विच इज कॉल्ड रेस्ट म्यूल। सो इन आवर बिल्डिंग देर इज ओनली 3 टाइप ऑफ बिन्स, बट आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत टाइप के अलग अलग बिन्स मिलेंगे। तो जो थर्ड टाइप है वो ब्लैक और ग्रे बिन। इसमें एक्सेप्ट जितना भी मैंने आपको अभी बताया है आइटम्स, लाइक फूड के जो आइटम्स हो गए और पेपर एंड कार्डबोर्ड्स हो गए, इसके अलावा के टाइपर्स हो गए, जैसे सिगरेट के बर्ड्स हो गए, ये सब चीजें आपको थर्ड बिन, जो कि ब्लैक और ग्रे बिन में डालनी है। इसमें कोई भी हैजेरियस चीजें नहीं डालनी है, उसको छोड़ करके आप कुछ भी डाल सकते हैं। हैजेरियस चीजें जैसे कि आपकी कोई जंग लगा हुआ सामान हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेंट के कुछ लेफ्ट ओवर्स बच गए हो वो हो गया, या फिर फ्लोरोसेंट बल्ब हो गए, लाइट्स हो गया, जो कि बहुत ही हैजेरियस हो, ये सब चीजें इसमें नहीं डालनी है। अब हमें हैजेरियस वेस्ट का करना क्या है। हैजेरियस वेस्ट एक तो बैटरी की बात हो गई, तो बैटरी आप कोई सुपरमार्केट में जाकर के वो यूज बैटरी लेते हैं, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। और बाकी चीजों की बात हो गई, तो बाकी चीजों की हर टाउन में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रक्स आती हैं और वो आपके हैजेरियस चीजों को लेके चले जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको वो चीजें कहाँ पे जाके डंप करनी है। द रीजन हम हैजेरियस चीजों को नॉर्मल ट्रैश के साथ नहीं फेंकते हैं वो इसलिए, क्योंकि ये जब बर्न होती हैं ये चीजें, तो ये पॉइजनस गैस फेंकती हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। अब ये हो गए हमारे बिल्डिंग के बारे में बातें, बिल्डिंग के जितने भी बिन्स हैं उसके बारे में बातें हो गई। अब हम चलते हैं बाहर के बिन्स के बारे में बातें करने। तो जो पहला बिन आता है वो है बिन जिसपे हम सिर्फ कैंस, जैसे कोक के कैन हो गए और बॉटल्स के जो ढक्कन हो गए, वो सब चीजें फेंक सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बिन आता है वो है प्लास्टिक,
जिसमें सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स फेंक सकते हैं या फिर प्लास्टिक के कप हो गए उनको फेंक सकते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं अगले बिन की तरफ जो कि ग्लास के लिए होता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के बिन दिखेंगे आपको ग्लास के लिए, एक होगा व्हाइट, एक ब्राउन और एक ग्रीन। सो जो भी बॉटल्स आपके ब्लू या फिर येलो कलर के होंगे दैट विल गो विद ग्रीन बिन, जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट होंगे दैट विल गो विद व्हाइट बिन, एंड जो आपका ब्राउन कलर का होगा दैट विल ऑब्वियसली गो टू द ब्राउन बिन। बट हमें ये मेक श्योर करना है कि बॉटल्स के जो ढक्कन होते हैं वो इसके साथ नहीं जाएंगे। ढक्कन के लिए जो मैंने आपको पहला वाला बताया था वो बिन में ढक्कन जाएगा, जिसमें कैंस हम डाल रहे थे तो उसमें जाएगा ढक्कन। और इस तरह से ये सारे ग्लासेस जो हैं वो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिन्स में जाएंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके ड्रिंकिंग ग्लास हो गए, टूटे हुए ड्रिंकिंग ग्लास हो गए या फिर आपके विंडोज के शीशे हो गए जो बने हुए होते हैं वो इसमें नहीं जाएगा। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज कि जो ये बने होते हैं जिस मटेरियल के दैट इज नॉट प्रोन टू रिसाइकल, उन्हें सेपरेट तरीके से रिसाइकल किया जाता है। तो इसमें सिर्फ बॉटल्स जाएंगे, आपके और कोई ग्लास आइटम नहीं जाएंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ट्रैश फेंकते समय ध्यान में रखनी है वो है टाइमिंग्स। टाइमिंग शुड बी ऑलवेज 7 AM to 7 PM, अदरवाइज जो हम इसमें कचरा फेंकते हैं और जो बॉटल्स अगर मान लीजिए फेंक रहे हैं तो बॉटल्स की आवाज से मे बी इट क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, सो दैट यू नीड टू मेक श्योर। एक और तरह का बॉटल होता है जो कि आपका डिपोजिट बॉटल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस बॉटल, इस पे यू कैन सी दिस मार्क। दिस मार्क मीन्स कि वी हैव ऑलरेडी गिवन डिपोजिट फॉर द बॉटल। तो ये आप जिस स्टोर से लेके आए हैं वहां पे जाके आप रिटर्न कर सकते हैं। यूजुअली प्लास्टिक बॉटल के लिए आपको 25 सेंट और ग्लास बॉटल के लिए 8 सेंट आपको रिफंड मिल जाएगा। यू विल गेट यू हैव टू पुट दिस इनटू दैट ट्रैश जो मशीन बना होता है, यू विल हैव टू पुट दिस इनटू इट और उसके बाद वहां से आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। ये रिसिप्ट आप देंगे तो आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू द स्पेशल बिन व्हिच इज कॉल्ड बिन फॉर क्लोथ्स। यस, ये बिन में आप अपने पुराने क्लोथ्स हो गए या फिर शूज हो गए वो फेंक सकते हैं। दैट डज नॉट नीड टू बी थ्रोन इन एनी अदर ट्रैश, उनके लिए ऑलरेडी बना हुआ है एक बिन। अब हम बात करते हैं बल्की वेस्ट, उसका क्या करना है। बल्की वेस्ट एज इन हमारे घर के फर्नीचर हो गए, ब्रोकन टीवी हो गया, ये सब चीजों को कहाँ फेंकते हैं। ये सब चीजों के लिए एक एलोकेटेड पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पेरमल। तो वहां पे जाकर के आप अपनी चीजों को ड्रॉप कर सकते हैं और दैट कैन बी देन ईदर रिसाइकल्ड और टेकन बाय द कलेक्टर्स। We'll be right back.